इंद्र के गांव टपरिया में बुजुर्ग महिलाओं और युवकों की गांव में बैठक हुई, जिसमें गांव के लोगों ने कहा कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। गांव के बुजुर्ग पेंशन तो देंगे ही, साथ में गांव से पैसा इकट्ठा कर सेना की राहत कोष में भेजेंगे। कि जैसे ये बुजुर्ग बैठे हैं हमारे गांव के यहाँ, इन्होंने सबने यही फैसला लिया कि हम एक महीने की पेंशन राहत कोष को देंगे अपनी, और जो गांव के और भी अन्य व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन नहीं है, वो भी अपनी कमाई से कुछ ना कुछ योगदान देंगे। तो यही आज ही हमने एक दिन एक मीटिंग बुलाका और सरपंच साहब की उपस्थिति में एक निर्णय लिया था भाई, जैसे हमारे देश के जवान शहीद हुए तो क्यों ना हम उसमें कुछ योगदान दें। तो वो मिशन हमारा बहुत कामयाब रहा और हमने पत्रकारों को रूबरू होगा, जैसे आज भी हमारे गांव में पत्रकारों की टीम आई हुई है, तो ये निर्णय लिया भी हम बुजुर्ग अपनी पेंशन और दूसरे जो भी मतलब देना चाहा, 500 दो, 1000 दो, चाहे 100 रुपए भी दो, तो हमारे पूरे गांव का योगदान इसमें बढ़ चढ़ कर रहेगा। हमारे गांव का फैसला है जो बुजुर्ग अपनी एक महीने की पेंशन देंगे और जो दूसरे गांव के आदमी है सब पैसे डाल राहत कोष में देंगे। अगर हमारे गांव के जो नौजवान युवकों की वहां पर सर्द पर जरूरत पड़े उसके लिए भी हम जाने के लिए तैयार हैं और मरण मटने के लिए तैयार हैं अपने देश।